हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका अपना रीजनिंग टीचर नीलेश कुमार पंसारी। आपका स्वागत है विन एकेडमी बिलासपुर में। और आज हम पढ़ने वाले हैं ब्लड रिलेशन का टाइप 3 क्वेश्चन, जो कि होता है कोडेड फॉर्म में या फिर उसको कोड फॉर्मेट बोला जाता है। तो आज हम बताएंगे आपको कि इस कोडेड फॉर्म वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। और इसे हम सीखेंगे सिर्फ कितने देर में, इसे हम सीखेंगे सिर्फ 15 मिनट में दोस्तों। तो देखिए, आज हम 15 मिनट में रीजनिंग को पूरा कंप्लीट कर देंगे, रीजनिंग के ब्लड रिलेशन को। ठीक है दोस्तों, तो देखिए यहाँ पर क्या होता है कि हमारे पास क्वेश्चन में, मतलब जब हमें क्वेश्चन मिलता है दोस्तों, तो हमें बता दिया रहता है कि a प्लस बी का मतलब क्या है दोस्तों, और a माइनस बी, a गुणित बी और a भागित बी का मतलब क्या है दोस्तों। दीदी देखिए दोस्तों, यहाँ पे a प्लस बी का जो मतलब होता है, a जो है दोस्तों, a जो है वह b का पुत्र है। मतलब हम इसे कैसे लिख सकते हैं दोस्तों, a जो b का पुत्र है उसे हम लिखेंगे, a जो है वह b का पुत्र है दोस्तों, वो कुछ ऐसे लिखाएगा। ठीक है, और a माइनस बी, ए जो है वह b की पुत्री है दोस्तों, तो इसे कैसे लिखेंगे, b की पुत्री कौन है दोस्तों, a है। ठीक है, इसे हम ऐसे लिखेंगे दोस्तों। ठीक है, अब लास्ट वाला क्या है दोस्तों, लास्ट वाला में बोलता है कि a जो है, a गुणित b, a जो है दोस्तों वह b का भाई है। ठीक है, तो a जो है दोस्तों हमारा, a वह क्या है, वह B का भाई है। मतलब A हमारा मेल पर्सन है। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद भाग, भाग क्या बोलता है, जो A जो है दोस्तों वह क्या है, A जो है दोस्तों वह B की पत्नी है। मतलब A क्या हो गई दोस्तों, A हमारी फीमेल हो गई, और यदि वो B की पत्नी है तो B हमारा मेल हो गया दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, इसे हम कुछ इस तरीके से डिनोट करेंगे, और हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके लिए ये सारे नोटेशन है दोस्तों। तो ठीक है, अब हम चलते हैं उन क्वेश्चंस की ओर। ठीक है दोस्तों, ओके, तो ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन क्या लिखा है, अभिव्यक्ति, क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है अभिव्यक्ति p प्लस क्यू माइनस आर डिवाइडेड टी। ठीक है, अब ये हमारे पास क्वेश्चन है, और हमें पूछा है कि t का p से क्या संबंध है, मतलब जो हमारा t है वह p का क्या लगता है दोस्तों। ठीक है, T और P हमारे एक दूसरे से किस तरीके से संबंधित है ये बताना है दोस्तों। तो हमारा T जो है वह P का क्या लगेगा दोस्तों, ये बताना है। तो इसे बताने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर क्या क्या साइन है, हम पहले A से शुरुआत करते हैं। अब नहीं, देखिए दोस्तों, हमने क्या सीखा था कि जो पहले B था वो रिलेशन बताता था किसका, वो रिलेशन मतलब जो हमारे, हमने अभी सीखा है, तो जो सेकेंड टर्म था वो अपना पहले टर्म से रिलेशन बताता था, जिसकी वजह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करेंगे दोस्तों, हमारे राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की ओर जाते हुए। तो ठीक है, भाग का मतलब क्या है, आर व टी। देखिए दोस्तों, आर जो है वह टी का क्या है दोस्तों, आर जो है वह टी की पत्नी है दोस्तों। तो ठीक है, आर हो गई फीमेल, टी हो गया उसका पति। ठीक है दोस्तों, उसके बाद R और Q लिखा है दोस्तों, तो वो किस प्रकार से कनेक्ट जुड़े हुए हैं आपस में, तो वह कुछ इस तरीके से जुड़े हुए हैं कि जो हमारा Q है दोस्तों वह R का एक सेकंड दोस्तों, Q जो है वह R की पुत्री है। ठीक है, तो हाँ ठीक है दोस्तों, तो देखिए यहाँ पे क्या बोला है, जो हमारे Q है दोस्तों वह R की पुत्री है। मतलब R की पुत्री क्या हो गई दोस्तों, यहाँ पर Q। अब उसके बाद क्या लिखा है दोस्तों, प्लस लिखा है, प्लस लिखा है मतलब जो हमारा P जो है वह Q का पुत्र है दोस्तों। तो अब इसका पुत्र कौन हो गया दोस्तों, P। ठीक है दोस्तों, अब हमें क्या बताना है कि जो हमारा P जो है, हमारा P वह T से किस प्रकार संबंधित है दोस्तों, ये बताना है। ठीक है, तो इसे हम कैसे बताएंगे, इसे पहले हमने इसको इस स्ट्रक्चर में लिख दिया है, अब हम उसे देख के आराम से बता सकते हैं कि P जो है वह T का क्या लगता है दोस्तों। तो P जो है वह T का नाती लगता है दोस्तों। ठीक है,
क्वेश्चन में बोला है टी का पी से क्या संबंध है, मतलब टी जो है वह पी का क्या लगेगा दोस्तों, जो टी जो है वह पी का लगेगा ग्रैंडफादर, लेकिन किस बेसिस पे दोस्तों, वह उसके मैटरनल ग्रैंडफादर लगेंगे। तो क्या होगा दोस्तों इसका आंसर, इसका आंसर होगा मैटरनल ग्रैंड फादर, और यही क्या है दोस्तों, यही हमारा आंसर है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब हम चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। ओके, तो दोस्तों अब हमारा अगला क्वेश्चन है, हमारा अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है। यहाँ पर क्या लिखा है दोस्तों, यहाँ पे लिखा है एस क्रॉस गुणित आर प्लस क्यू डिवाइडेड पी। ठीक है, और लास्ट में क्या पूछा है दोस्तों कि हमारा जो पी है, पी का एस से क्या रिश्ता है, ये बताना है दोस्तों। पी हमारा एस से किस प्रकार संबंधित है यह बताना है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, हमारे पास जो कोड था जिसका हमने शुरुआत में आपको बताया था, आप उनका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे और उसे नोट डाउन भी कर लिए होंगे। तो देखिए अब हम उसी कोड का, उसी डिनोशन का देखते हुए इसे सॉल्व करते हैं। तो क्या बोल रहा है दोस्तों, और उसमें हर बार क्या बताता था, ए और बी लिखता था, और जो उसके में रिलेशन इस टाइप से बताते थे दोस्तों, उसमें रिलेशन जो ए रहता था वह अपना बी से रिलेशन बताता था, जिसकी वजह से बी उसका बेस हो जाता था और ए उसका आंसर होता था। तो मतलब इसका मतलब क्या होता है दोस्तों कि इस क्वेश्चन को भी हम यहाँ से सॉल्व करने स्टार्ट करेंगे। तो क्या लिखा है, क्यू जो है वह पी से डिवाइडेड है, डिवाइडेड मतलब क्या है, पत्नी है। तो क्यू जो है वह पी की क्या हो जाएगी दोस्तों, पत्नी हो जाएगी। तो यहाँ पर आ गया क्यू, अब क्यू किसकी, अब क्यू जो है वह पी की पत्नी है, तो ये हो गई मेल, और यहाँ पे हो गया पी हमारा, सॉरी क्यू हो गई हमारी फीमेल और पी हो गया हमारा मेल। ठीक है दोस्तों, उसके बाद क्या लिखा है, प्लस क्यू जो है वह आर जो है वह क्यू का क्या है दोस्तों, आर जो है वह क्यू का पुत्र है दोस्तों। ठीक है, तो ये हो गया नीचे यहाँ पे पुत्र। अब उसके बाद दोस्तों लिखा हुआ है इंटू, इंटू क्या था दोस्तों, इंटू था भाई। तो यहाँ पे क्या है, एस जो है वह आर का क्या है दोस्तों, एस जो है वह आर का भाई है दोस्तों। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर पूछा गया है कि हमारा एस जो है वह पी से किस प्रकार संबंधित होगा दोस्तों, हमें ये पूछा गया दोस्तों कि ये दोनों आपस में किस प्रकार संबंधित होंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन में क्या दिया है कि हमारा पी एस से किस प्रकार संबंधित होगा, तो पी जो है दोस्तों वह एस का पिता होगा दोस्तों, और यहीं पास हमारा ये क्या होगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा पिता मतलब फादर, और यही क्या है दोस्तों, यही है हमारा आंसर। ठीक है दोस्तों, ओके दोस्तों, तो चलिए अब हम चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। तो हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, P प्लस क्यू इंटू आर माइनस टी। ठीक है, तो अब इसमें क्या पूछा है दोस्तों, इसमें हमको पूछा है कि जो हमारा R है वह P से क्या संबंध रखता है ना। ठीक है, R का P से क्या संबंध है, ये जो R है वह P से क्या संबंध है, ये हमको फाइंड आउट करना है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के अब हम इसे भी उसके जो कोड्स हैं उनको ब्रेक करके उन्हें ब्लड रिलेशन के स्ट्रक्चर में लिखते हैं दोस्तों। और चूंकि यहाँ पर भी हमें वही कोड का यूज़ कर रहे हैं जो हमने शुरू में किया था, तो इसे भी हम कहाँ से देखना चालू करेंगे दोस्तों, यहाँ से। लेकिन दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, जैसे कि हमारे पास कोड आता है, ठीक है, अब अभी के कोड में क्या था कि ए और ए इंटू बी ए लिखा हुआ था दोस्तों, और बोला था कि जो हमारा ए जो है वह बी का भाई है। तो इसे हम कैसे करते थे, हमारा जो ए जो था वह बी का भाई था, ऐसे बोलना चाहता था दोस्तों। और वो हिंदी में कैसे लिखा रहता था, ए बी का भाई है। लेकिन दोस्तों इसी को अब वो दूसरे फॉर्मेट में क्या कर सकता है, लिखे रहेगा सेम ही है,
ए इंटू बी, लेकिन वो क्या बोलेगा दोस्तों, अब यहाँ पर वो बोल देगा हमारे पास जो b है वह a का भाई है। अब देखे दोस्तों यहाँ पर वो क्या बोल दिया कि हमारा जो b है वो a का भाई है, तो अब हम इसे कैसे लिखेंगे, जो हमारा अब ये क्या हो जाएगा, b जो है वह अब a का भाई हो जाएगा दोस्तों। तो देखिए अब हमें जब यदि वो इस तरीके से बताएगा तो हमारा फॉर्मेट चेंज हो गया, तो मतलब हम क्या करना पड़ेगा जब कभी भी अब इस टाइप का यदि ऐसे चेंजेस आते हैं कि यदि ए और बी लिखा है लेकिन बताने के समय बी आगे और ए बाद में आता है, तो फिर क्या होता है कि हमें उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए लेफ्ट साइड से चालू करना पड़ेगा। जैसे कि हम इस क्वेश्चन को राइट साइड से सॉल्व कर रहे हैं ना दोस्तों, तो उस क्वेश्चन को हमें फिर राइट साइड सॉल्व कर रहे हैं, तो उस क्वेश्चन को हमें फिर ऐसे लेफ्ट से राइट की ओर जाते हुए सॉल्व करना पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि यदि आप इस चीज़ का ध्यान नहीं रखेंगे तो फिर आपके माइनस मार्क आ सकते हैं दोस्तों, और आपका जो सारा मेहनत है वो वेस्ट हो सकता है। तो आप ये ध्यान रखिए, ए इंटू बी लिखा हुआ है तो यहाँ पास का फॉर्मेट बी ए है या ए बी है, ए बी है दोस्तों, मतलब जैसे इस फॉर्मेट में है और उसी फॉर्मेट में यहाँ पे लिख कर आगे की ओर बढ़ रहा है, तो मतलब आपको यहाँ पे राइट साइड से स्टार्ट करते हुए चलना है, राइट साइड से ब्रेक करते हुए चल के लेफ्ट साइड पर आना है, और जब वह ए इंटू बी लिखा है लेकिन यहाँ पे फॉर्मेट यहाँ पर क्या हो गया दोस्तों, अपोजिट हो गया है, तो अब इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होगा दोस्तों कि हमें यहाँ लेफ्ट साइड से सॉल्व करना चालू करना है और लेफ्ट साइड से राइट साइड की ओर जाना है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से हम इन कोड्स को ब्रेक करते हैं और उसको एक स्ट्रक्चर के फॉर्म में लिखते हैं दोस्तों। तो ठीक है, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना कंटिन्यू करते हैं, आप इस चीज़ को नोट कर लीजिए दोस्तों, ठीक है, या अभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसे फिर अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, तो ठीक है चलिए हम उनसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो ठीक है, अब ये जिस टाइप का क्वेश्चन है तो हम इसे लेफ्ट राइट साइड से सॉल्व करना चालू करते हैं, राइट टू लेफ्ट सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा दोस्तों, क्या बोल रहा है, जो हमारा आर है आर माइनस टी, क्या बोलना चाह रहा है दोस्तों, आर जो है वह टी की पुत्री है। ठीक है, तो ये हो गई आर और ये किसकी पुत्री है, यह टी की पुत्री है। ठीक है, उसके बाद इंटू है दोस्तों, इंटू का मतलब क्या था, भाई, तो जो क्यू जो है वह आर का भाई है, तो क्यू हो गया, ये मेल पर्सन हो गया और ये दोनों भाई बहन हो गए दोस्तों। अब उसके बाद बोलता है पी, पी पी प्लस क्यू, जो पी जो है वो क्या है दोस्तों, पी जो है हमारे क्यू का पुत्र है दोस्तों। तो देखिए ये हो गया, अब हमें क्या पूछा गया था दोस्तों, हमें यह पूछा गया था कि हमारा जो आर है वह पी से किस प्रकार संबंधित है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे आर पी से किस प्रकार संबंधित है, यहाँ पे जो हमारी आर है वह पी की क्या लगेगी दोस्तों, ये जो आर है वो हमारे पी की बुआ लगेगी दोस्तों। ठीक है, बुआ, अब बुआ को इंग्लिश में क्या बोलते हैं दोस्तों, आंटी। लेकिन अब यहाँ पर हमें ये बताना है ये मैटरनल है कि पैटर्नल है, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों ये पिताजी की ओर से है, तो ये कौन सी आंटी होगी दोस्तों, ये हमारी पैटर्नल आंटी होगी, और यही क्या है दोस्तों, यही हमारा आंसर है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, दोस्तों इस तरीके से हमारा एक और क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। तो चलिए अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों ये हमारा अब इस पैटर्न का लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, हमारा लास्ट क्वेश्चन है पी माइनस क्यू डिवाइडेड आर इंटू एस। ठीक है दोस्तों, अब उसके बाद लास्ट में क्या पूछा है कि जो हमारा एस जो है वह पी से क्या संबंध रखता है, कि एस जो है एस और पी के बीच का सब रिलेशन बताना है दोस्तों। ठीक है, अब इसे हम सॉल्व करते हैं, तो अब हम इसे ब्रेक करेंगे इनके जो फॉर्मूलास थे उस पे। ठीक है दोस्तों, तो देखिए क्या बोला है, आर जो है वो क्या है, एस का भाई है, इंटू का मतलब क्या होता है, भाई, तो हमारा आर क्या हो गया, भाई किसका, एस का। अब डिवाइड, डिवाइड का मतलब क्या होता है दोस्तों, डिवाइड का मतलब होता है पत्नी, तो जो हमारा क्यू जो है वो आर की पत्नी है। ठीक है, तो क्यू हो गई हमारी फीमेल
और वो आर की पत्नी है तो हो गया वहाँ पे डबल लाइन। उसके बाद लिखा है पी माइनस क्यू, तो माइनस क्या होता है दोस्तों, पुत्री, तो पी जो है क्यू की क्या है दोस्तों, पुत्री है। ठीक है, अब हमें क्या पूछा गया दोस्तों, अब हमें पूछा गया है कि पी और एस के बीच क्या संबंध है दोस्तों। तो ठीक है, यहाँ पर उसको बताना है। तो देखिए दोस्तों, हमें पता है कि पी जो पी पी एस को क्या बुलाएगी दोस्तों, देखिए तो पी जो है ना दोस्तों, हमारे पास जो पी है, पी क्या, पी जो है वो एस को बुआ भी बुला सकती है और अंकल भी बुला सकती है, मतलब चाचा ही बुला सकती है। ऐसा क्यों दोस्तों, देखिए देखिए ये जो है पी जो है, ठीक है, पी पी की माता कौन है क्यू, और पी के पी के पिताजी कौन है आर, और एस कौन है दोस्तों, एस जो है उनके पिता के भाई या बहन हो सकते हैं। अब भाई या बहन हो सकते हैं ऐसा क्यों बोल रहे हैं दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे देखिए हमें यह बताया नहीं गया है कि ये मेल है कि फीमेल है, यहाँ पर सिर्फ इतना बोला गया है कि आर जो है वह एस का भाई है। ठीक है दोस्तों, तो भाई का भी भाई रहता है और भाई जो है वो बहन का भी भाई ही रहता है, लेकिन हमें अब यहाँ पे किसी उसका जो है जो पर्सन मेल है या फीमेल है वो बताया नहीं गया है दोस्तों। मतलब यहाँ पे हमें बॉक्स बनाना है या सर्कल बनाना है वो पता नहीं है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन में हमें दो तीन टाइप के ऑप्शन दिए रहते हैं, उसमें रहता है या तो कोई नहीं, या तो क्या रहता है कि बुआ या चाचा दोनों, दोनों में से कोई एक, या फिर क्या करता है कि एक ऑप्शन में बुआ करता है और दूसरे ऑप्शन में चाचा कर देता है, और तीसरे ऑप्शन में करता है कि पहला या तो दूसरा, ऐसा टाइप का ऑप्शन देता है। तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन में क्या था दोस्तों, यहाँ पर लिखा हुआ था, हमारे पास लिखा हुआ है यहाँ पर क्या ऑप्शन में लिखा है, दूसरे नंबर के में लिखा है दोस्तों अंकल, और तीसरे नंबर के में लिखा हुआ है आंटी, और चौथे नंबर के ऑप्शन में लिखा है या तो बी या तो सी। तो हमारा यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है दोस्तों, और ये क्या होगा दोस्तों, या तो बी या तो सी, मतलब या तो वो उसकी बुआ हो सकती है या तो वो उसका चाचा हो सकता है दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन भी हो गया कंप्लीट, और इस तरीके से हमारा ब्लड रिलेशन का टाइप थ्री और लास्ट फॉर्मेट हो गया कंप्लीट, जो कि रहता है कोडेड फॉर्म में। तो आई होप दोस्तों आपको आज की क्लास मज़ा आया होगा और आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। प्लीज़ इस तरीके से हमारे साथ बने रहिए, हम आपके लिए ऐसे ही नए और मज़ेदार क्वेश्चन लाते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द नेक्स्ट न्यू क्लास और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। थैंक यू दोस्तों वंस अगेन।